Assalamu alaikum, I'm Ms. Shibana Shafi for class 3. This is your English A book. Today we are going to creative verb, page number 7. Question 3 aapka, which of these sentences are true or false? In which kaun se sentences jo hain wo true hain aur false hain? The scarecrow never gets tired. Scarecrow kabhi nahi thakta. It is true. The scarecrow is frightened of the farmer. Scarecrow farmer ko डराता था. इट इज़ फॉल्स. द ग्रेट ऑज लिव्स इन द डायमंड सिटी. ग्रेट ऑज जो था वो डायमंड सिटी में रहता था. ये भी फॉल्स है. वो एमरलैंड सिटी में रहता था. नंबर डी है, ड्रोथी हैज़ अ डॉग कॉल्ड खोखो. ड्रोथी के पास जो डॉग था उसका नाम खोखो था. ये भी फॉल्स है. टोटल नाम था उसका. द स्कैरक्रो इज वेयरिंग अ ब्लू हैट. स्कैरक्रो ने ब्लू हैट पहनी हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, वर्किंग विथ वर्ड्स. यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं जो कि जिनको रीअरेंज करने हैं हमने. फर्स्ट वाला जो है वो स्टर्ब्ड आ रहा है. सेकंड स्केयरक्रो. मैं आप लोगों को आंसर्स दे रही हूँ जस्ट. और इनका है एमरलैंड, द ग्रेट ऑज, कॉर्नफाइल, ग्रेटफुली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन ईच लिस्ट इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली. इनमें से कौन सा वर्ड जो है उसमें इसके स्पेलिंग रॉन्ग है वो देखना है आपने. फ्राइड, इसके स्पेलिंग रॉन्ग है. एक्सक्यूज, इसके स्पेलिंग रॉन्ग है. डिसाइड, इसके स्पेलिंग रॉन्ग है. और क्वाइटली, इसके स्पेलिंग रॉन्ग है. ओके, इसके बाद लेट्स टर्न आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8. यहाँ पे जो है वो सेंटेंसेस लिखे हुए, इनको सीक्वेंस से आपने लिखना है. मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर्स लगाए हुए हैं. फर्स्ट नंबर पे जो सेंटेंस आएगा वो आपका डी फर्स्ट नंबर पे आएगा. ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस. और एफ सेकंड सेंटेंस है आपका. अरेंज करेंगे तो एफ को सेकंड पे लिखेंगे. द बस डिड नॉट कम. उसके बाद अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन. द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड. The taxi arrived at the house. The driver asked him for some money. The man took a note out from his pocket and gave it to him. Okay, class, we have done this lesson today and now see you on next lecture. Allah Hafiz and take care.